हाँ ठीक है ना, आप या तो ईयरफोन वगैरह लगा लो यशवंत जी, बाकी सबको क्लियर है साउंड, है ना? ठीक, चलो तो देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं आज शहरी स्थानीय स्वशासन, मतलब लोकल अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस। इसमें क्या करने वाले हैं, जैसे आपने अभी तक जो पढ़ा, अभी तक आपने क्या बोला कि गाँव में हम पंचायत बनाएंगे, मंडल पंचायत बनेगी जिसको जनपद पंचायत बोलेंगे, और जिला पंचायत बनेगी। ये हमारे लिए था किसके, गाँव लेवल पर। क्लियर, तो गांव लेवल पर बने वो तो हमने बोल दिया ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। अब हम बनाने जा रहे हैं शहरी स्तर पर, जिन जिन क्षेत्रों को शहर के अंदर रखा जाता है या जिन क्षेत्रों को बोला जाता है कि ये शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र घोषित किया जाता है, उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो उसके पहले की थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी, कि क्या है बैकग्राउंड हिस्ट्री। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो एक व्यक्ति थे हमारे भारत में, एक व्यक्ति आए जिनका नाम था लॉर्ड रिपन। क्या नाम था? लॉर्ड रिपन। तो ये लॉर्ड रिपन जो है, इन लॉर्ड रिपन को हमारे भारत में, क्योंकि इनने क्या किया था, तो ये एक मैग्ना कार्टा लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? मैग्ना कार्टा लाए थे। किससे रिलेटेड? ये लेकर आए थे मैग्ना कार्टा रिलेटेड टू लोकल गवर्नेंस। किससे रिलेटेड? तो ये लाए हैं मैग्ना कार्टा रिलेटेड टू लोकल गवर्नेंस, रिलेटेड टू लोकल गवर्नेंस, मतलब स्थानीय स्वशासन जो होता है ना, स्थानीय शासन जो होता है लोकल गवर्नेंस, उससे रिलेटेड इन्होंने क्या किया था, एक मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मतलब आप ये समझ लीजिए, लोकल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ मैं, इसका मतलब होता है कि एक क्योंकि ये ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स उस समय जो कानून लेकर आते थे या जो भी अधिनियम समझ लीजिए उसको मैग्ना कार्टा बोलते थे, जहाँ पर रूल्स रेगुलेशन पूरी लिखी होती थी, है ना। तो वो लेकर आए भारत में, इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, लोकल गवर्नेंस का प्रचलन शुरू किया था, लोकल गवर्नेंस, ठीक है, स्थानीय स्वशासन का। इसलिए स्थानीय स्वशासन के जनक बोला जाता है किनको, लॉर्ड रिपन को। हम इनको क्या बोलेंगे, स्थानीय स्वशासन के जनक, स्थानीय स्वशासन के जनक। क्लियर है, स्थानीय स्वशासन के जनक किनको बोला जाता है, तो लॉर्ड जनक, लॉर्ड रिपन को बोला जाता है, ठीक है, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस। एक तो ये तो हो गई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाली बात, बहुत पुरानी। वहीं पे अगर आपसे पूछे हम शहरी क्षेत्र में पढ़ने जा रहे हैं, तो हमको पता है म्युनिसिपैलिटी बनती है, मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। तो म्यूनिसिपैलिटी की अगर बात करेंगे ना, तो म्यूनिसिपैलिटी सबसे पहले इंडिया में अगर आप बात करें तो 1687-88 में, 1687-88 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उस समय भारत में पहला नगर निगम बनता है, और वो बनता है मद्रास में। कहाँ बनता है? मद्रास में। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, 1687-88 में फर्स्ट म्यूनिसिपैलिटी इन इंडिया, फर्स्ट म्यूनिसिपैलिटी इन इंडिया कहाँ बनी थी, तो ये बनी थी मद्रास में। कहाँ बनी थी? मद्रास। क्लियर, भारत का पहला नगर निगम, भारत का पहला नगर निगम। क्लियर, वैसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए मध्य प्रदेश में कब बना था, मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा है, तो अगर आपसे बात करें हम मध्य प्रदेश के नगर निगम की, तो आप याद रखेंगे 1864 का ईयर। कब याद रखेंगे? 1864 में मध्य प्रदेश में पहला नगर निगम जो बना, मध्य प्रदेश में क्या, फर्स्ट म्यूनिसिपैलिटी जो बनी, वो बनी कौन सी, जबलपुर की। कहाँ बनी? जबलपुर। तो पहला नगर निगम मध्य प्रदेश का कौन सा रहा? जबलपुर। और कब बनता है? ईयर आपको याद रखना है, ईयर है 1864 में। क्लियर, ये एक बेसिक बात है, किससे रिलेटेड, मध्य प्रदेश से रिलेटेड। तो आप पहले तो लॉर्ड रिपन का नाम याद रखिए, इनको क्या बोला जाता है, स्थानीय स्वशासन के जनक, मतलब फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस, गवर्नेंस इन इंडिया, भारत में, है ना, इन इंडिया। चलिए दूसरा 1687 का ईयर, 88 कहां पे, मद्रास में, और मध्य प्रदेश के लिए जबलपुर में। बस इतना एक बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका, शहरी लेवल पे बात कर रहे हैं इसलिए। क्लियर, अब हमने क्या किया, वही वाली बात की, हम जब इंडिपेंडेंट हुए, इंडिपेंडेंट होने के बाद हम लोगों ने ये सोचा कि हमें क्या चाहिए हर लेवल पे, मतलब हमारा जो एक्चुअल में बात क्या थी, एक्चुअल में बात ये थी कि हमको चाहिए था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब समझिए, इसको हिंदी में बोलते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्या बोलते हैं इसको? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अब इसका क्या मतलब है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का? अच्छा, यही वाली बात आपकी लोक ग्रामीण व्यवस्था के लिए भी लगती है ना, विकेंद्रीकरण ग्रामीण व्यवस्था में भी यही वाली बात है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में
सभी लोगों की भागीदारी हो, है ना। मतलब ऐसा ना हो कि केवल आपने राज्य बनाए हैं और केंद्र सरकार बना दी और राज्य में सरकार होगी और केंद्र में होगी और बाकी कोई भी हमारी सरकार नहीं होगी या हमारे लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करने वाले कोई नहीं होंगे। तो हमने ये प्रावधान किया कि हमारे देश में क्या होना चाहिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। मतलब जो हमारे देश में नेता वगैरह है, या ये बोल दीजिए, आप पॉलिटिशियन का नाम नहीं भी लें, आप ये बोल दीजिए कि जो सरकार है, सरकार जो है वो गांव लेवल पे भी होना चाहिए। मतलब विलेज लेवल पे भी आपको क्या मिल जाना चाहिए, सरकार मिल जाना चाहिए। उसी को बोला जाता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अब इसकी जो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए जो इन्होंने प्रावधान किए थे, आपको पता ही है, हम लोगों को संविधान संशोधन करना पड़ा था। क्या करना पड़ा था? संविधान संशोधन। और फाइनली संविधान संशोधन एक आपने पढ़ लिया है, कौन सा? 73rd वाला। एक संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका हो चुका है, कौन सा? 73rd का, जिसको आपने बोला है इससे हमने क्या जोड़ी है, तो पंचायत, क्लियर। और एक आपने क्या किया, तो इसी से आपने जोड़ा है, इसी से आपने संविधान संशोधन जो आप बोलेंगे वो कौन से नंबर का, तो 74th नंबर का, जिसको आप बोलते हैं कि ये हमारी क्या है, म्यूनिसिपैलिटी। और अभी हमको जो पढ़ना है वो इसके बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में, ठीक है, क्लियर। इतना ये हमारा हो चुका है, ये पार्ट अब हम देखने जा रहे हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था के लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने जो जो प्रावधान, जो जो सजेशंस हमको दिए थे, वो हमने, हमारी गवर्नमेंट ने जो कंसिडर किए, उसके बाद बिल इंट्रोड्यूस हुआ, बिल को पास करवाया गया, और वही फिर क्या बन जाता है, वही हमारा बन जाता है फाइनली अपना 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और अगला बिल जो आता है वो बन जाता है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 74वां नंबर का संविधान संशोधन। इस 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या क्या प्रावधान हुए थे, क्या क्या संविधान में चेंजेस हुए इसके बाद, वो हम देख लेते हैं एक बार में। जैसे मैंने आपको बोला था, वो एक लाइन लिखी हुई थी, बोला था 73rd के लिए पूरी इंपॉर्टेंट है, वो लाइन याद रखना। वैसे ही अपने पास किसके लिए आएगी, अब आती है हमारे पास 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, क्लियर। तो देखिए जरा, केवल बात करें हम 74th संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना, 74वां संविधान संशोधन। सबसे पहला, पहली बार आपसे ईयर पूछेगा अमेंडमेंट, तो आप यहां पे ईयर लिखेंगे 1992। क्या लिखेंगे? 1992, ठीक है, 1992, क्योंकि इसका जो बिल आया वो 1992 का है, इसलिए इसको 92 लिख रहे हैं। अब इससे क्या क्या हुआ, तो इससे हमने अपने संविधान में पार्ट नंबर 9A ऐड किया। क्या किया? 9A। भारत के संविधान में भाग 9A जो है वो किससे ऐड किया गया था, तो वो संविधान संशोधन कौन से नंबर का, 74वें नंबर का संविधान संशोधन था। दूसरी बात, भाग के साथ में इसी में क्या किया है आपने, और क्या चीज़ की है, अनुच्छेद की अगर आप बात करोगे, तो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो देखिए आपने भाग 9 जो पढ़ा है, आपने जो भाग 9 किया था उसमें आपने बोला था कि 243 से लगाकर 243O तक जाते हैं हम, है ना, वही वो भाग 9 था। अब भाग 9A जो है तो उसमें संविधान आपके अनुच्छेद आगे चलेंगे, तो यहाँ पे जो अनुच्छेद ऐड किए गए हैं वो 243P से लगाकर ZG तक किए गए हैं, क्लियर। जैसे आप बोलोगे कि आपका पी मतलब ओ के बाद पी आना है, तो आपके 243O तक तो किस में कंसिडर हो गया था, जिसमें हमने इंक्लूड किया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन और पार्ट नंबर 9 में। अब उसके आगे चले हैं आपका पी से लगाकर ZG तक, इसी को बोला जाता है, इसको आप बोलेंगे ये क्या है, आर्टिकल है। ये क्या है? आर्टिकल्स। कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बोलेंगे 243 से लगाकर, ये ऊपर नीचे हो गया, त से य छ तक, है ना, हिंदी में देख लीजिएगा एक बार, इसको यही बोला जाता है। आप तो, मैं तो बोलता हूँ इंग्लिश में ही याद रखो, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके। ये संविधान में इतने इतने क्या किए गए हैं, आर्टिकल्स ऐड किए गए, ठीक है, P2 ZG। और क्या किया गया इसके द्वारा, तो इसी के साथ में एक हमारे यहाँ अनुसूची भी जुड़ी है, जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल। क्या बोलेंगे? एक शेड्यूल ऐड हुआ है, और शेड्यूल जो है वो है नंबर 12, 12वें नंबर का शेड्यूल जो हुआ है वो ऐड हुआ है किसके द्वारा, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसको हम बोलते हैं अनुसूची नंबर 12। इसको क्या बोलते हो आप? अनुसूची 12। ये ऐड हुई है किससे? 74वें संविधान संशोधन से, क्लियर। इतना चलिए, इसके बाद और क्या हुआ है, तो आप बोलेंगे कि अब आपको बताना है, जिससे आपने बोला था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में टोटल 29 सब्जेक्ट्स दिए गए थे पंचायत को, कितने दिए थे? 29। तो जब यहाँ पे आप नगर निगम के लिए, नगर पालिका के लिए, नगर परिषद के लिए बात करोगे, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि टोटल सब्जेक्ट्स जो हैं वो हैं 18। कितने हैं सब्जेक्ट्स जो हैं? वो हैं 18। टोटल विषय जिन पे यहाँ पे शक्ति दी गई है वो विषय हैं 18, क्लियर है इतनी बात। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए कि इसमें कितने आर्टिकल हैं, टोटल आर्टिकल की अगर हम बात कर लें, तो इसमें आर्टिकल्स की संख्या जो है, टोटल आर्टिकल, तो आप बोलेंगे टोटल आर्टिकल जो हैं वो आर्टिकल हैं 18। टोटल आर्टिकल कितने हैं? 18 हैं,
अनुच्छेद कितने हैं, अनुच्छेद जो है कुल अनुच्छेद वो आपके 18 हैं, 18, ठीक है। इतना पार्ट आपको जो है याद रखना पड़ेगा किसके लिए, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए, ठीक। अब क्या होता है, ये एक्ट जो है इसको यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, ये एक्ट है जो बिल आया था कब, 1992 में बिल आया, तो हमने बोल दिया ठीक है बिल आया 74th के लिए, जो बिल आया था वो 1992 में आया। जब ये संविधान संशोधन होता है, मतलब जब कंप्लीट हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर साइन करते हैं। तो प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर साइन कब किया था, तो हम बोलेंगे कि प्रेसिडेंट की जो साइन हुई है वो हुई है 1 जून 1993 को, कब 1993 को। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर, ये समझ लीजिए राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर। या इसको आपको मैं दूसरे टर्म में बताऊं तो इसको आप एक चीज और बोल सकते हो कि ये क्या हुआ था, इस दिन हमारा ये क्या बन गया था, कानून बन चुका था, मतलब बिल बिकम एक्ट, ऐसा बोल दो इसको। बिल क्या हुआ था, हमारा जो विधेयक था वो क्या बन गया था, बिल बिकम एक्ट, क्लियर। अब हमारा वो जो विधेयक था वो किस में बदल गया था, अधिनियम में बदल चुका था। 1 जून की स्टोरी है, 1 जून को क्या हुआ, वो अधिनियम में बदल गया। और क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि जब भी ये प्रावधान आते हैं तो हमें कुछ समय देना होता है राज्यों को कि आप अपने यहाँ पे ये प्रावधान करने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक व्यवस्थाएं जो है वो पूरी कर लीजिए। तो यही चीज़ जो मध्य प्रदेश में लागू हुई, कौन सी, आपका 74वां वाला संविधान संशोधन जो है वो मध्य प्रदेश ने कब अडॉप्ट किया था, तो आप बताएंगे कि ये मध्य प्रदेश ने 25 जनवरी 1994 को इसको क्या किया था, अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। आप इसकी डेट याद रखेंगे कब, मध्य प्रदेश के लिए 25 जनवरी 1994, इस दिन मध्य प्रदेश ने इसको अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया था, क्लियर है क्या ये बात। ये बात हम कल भी थोड़ी सी बात कर रहे थे, इम्प्लीमेंटेड इन एमपी लिख दूं क्या मैं इसको, इम्प्लीमेंटेड इन एमपी, ये बेसिक सी चीज। इतना पार्ट आप याद रखिए, यहां से एक क्वेश्चन बनना फाइनल है अगर आता है तो, ठीक है। अब देखिए, जैसा हमने कल बोला, क्या बोला था कि आप एक काम करेंगे पूरा टेबुलर फॉर्म में याद रखेंगे। तो क्योंकि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश ने ग्रामीण व्यवस्था के लिए और शहरी व्यवस्था के लिए, दोनों के लिए मध्य प्रदेश ने अपने यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था एस्टेब्लिश की, या बोलना चाहिए 3-tier सिस्टम यूज़ किया है, चाहे वो लोकल सेल्फ गवर्नेंस में अर्बन का हो या फिर आपका रूरल का हो, ग्रामीण व्यवस्था हो या शहरी व्यवस्था हो, मध्य प्रदेश ने कितने टायर व्यवस्था अपनाई है, मतलब कितने त्रिस्तरीय व्यवस्था है ना, आप इसको बोलेंगे 3-tier सिस्टम है। तो चलो देखो, देखते हैं इसको कौन कौन से 3-tier हैं इसके अंदर, ठीक। चलिए, कल जैसी ही एक टेबल बनाना है हमको, बिल्कुल वैसी जैसी हमने कल एक टेबल बनाई थी, तो टेबल बना लेते हैं। देखिए, अब हम यहाँ क्या बताने वाले हैं, वही वाली चीजें जो कल हमने बताई थी। तो यहाँ पर अगर आप बोलोगे अब हम किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस, है ना। तो अर्बन में अगर देखें तो सबसे पहले आप बोलोगे नगर परिषद, क्या बताएंगे आप, नगर परिषद। तो अब यहाँ पर लिखने वाले हो नगर परिषद, नगर परिषद, ये नगर परिषद ही आपकी क्या है, यही आपकी नगर पंचायत है, क्या है ये, नगर पंचायत है ना, नगर पंचायत भी इसी को बोला जाता है। फिर आपका क्या आएगा, फिर आपका आएगा नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका को आप क्या बोलेंगे, म्यूनिसिपालिटी। फिर आपके पास क्या आता है, तो आपके पास फिर आएगा नगर निगम, फिर क्या आएगा, नगर निगम, और नगर निगम को आप क्या बोलेंगे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये तो भी बेसिक चीज, हम किस किस तीन 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 स्तरीय व्यवस्था जो हमारे यहाँ थ्री स्तरीय व्यवस्था, उसमें नगर परिषद या इसी को आप क्या बोलते हो, नगर पंचायत, नगर पंचायत, पंचायत से ये मतलब नहीं ना, पंचायत मतलब लोकल, ये नगर लगा है ना, मतलब शहरी व्यवस्था के लिए नगर पंचायत, या आप इसको बोलते हो नगर परिषद।
फिर क्या होगा आपके पास, तो नगर पालिका होगी, और फिर क्या होगा तो नगर निगम होगा। वहीं पे सदस्य संख्या वगैरह की बात की थी हमने, तो पहले नंबर पे हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि इसमें टोटल क्या बोलेंगे आपकी जनसंख्या कितनी होना चाहिए, है ना, मतलब पॉपुलेशन कितनी होना चाहिए। तो पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं कि कितनी पॉपुलेशन पे आपकी क्या बनाई जाएगी, कितनी पॉपुलेशन पे आपकी नगर पंचायत बनेगी, फिर नगर पालिका बनेगी। तो जनसंख्या एक चीज तो हो गई, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ये कहाँ बनेगी, क्या बोलेंगे इसको, कहाँ बनेगी, तो इट विल बी फॉर्म्ड। इसका मतलब मैं आपको अभी समझाऊंगा, मतलब आप इसको बोलेंगे कहाँ बनेगी, बस खाली अभी देखते जाइए, हम उसके बाद समझ लेंगे कहाँ बनेगी। तीसरे नंबर पे क्या देखेंगे, तो अब देख लेंगे कि इसमें सदस्य कौन कौन से हैं या किसके द्वारा बनाई जाती है। हम इसको क्या देख लेते हैं, हु विल फॉर्म, किसके द्वारा, बाय हुम, है ना, किसके द्वारा बनाई जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आपसे क्या पूछा जाए, इसके बाद आपसे पूछा जाए इलेक्शन और सदस्य मेंबर कौन होगा, मेन उसका मेंबर, तो वो बात कर लेते हैं अपन। तो इसका हेड कौन होगा, इसका हेड कौन होगा, हेड मतलब आप बोल दीजिए कि इसका मुखिया या प्रधान कौन होगा। और आपसे क्या पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए टोटल नंबर ऑफ, नहीं बताई ना अपन ने कि टोटल नंबर ऑफ कितनी होगी, तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ये मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। हाँ, तो अभी तो आप ये देखिए कि टोटल जनसंख्या बता दी, वेयर कहाँ बनेगी बता दिया, किसके द्वारा बनाई जाएगी, प्रधान कौन होगा, इलेक्शन देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या आता है फैक्टर, इलेक्शन, इलेक्शन मतलब कि चुनाव कैसे होंगे, यहाँ पर चुनाव की बात करते हैं, चुनाव कैसे होंगे। और क्या बात करेंगे, तो एक पॉइंट यहाँ पे और समझ लीजिए कि इसमें अधिकारी कौन होगा, मतलब जो इसके अधिकारी, और एक पॉइंट और देख लेना, टोटल मेंबर्स, मेंबर्स मतलब सदस्य, मेंबर्स सदस्य, और यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी कौन होगा, तो आप बोलेंगे कि अधिकारी कौन होगा, इसका मतलब सरकार की तरफ से कौन सा व्यक्ति जो होगा यहाँ का ऑफिसर होगा। इतनी बातों पे हम इसको पढ़ने वाले हैं, क्लियर। चलो तो देखते हैं एक एक करके, करें शुरू। देखो सबसे पहला पॉपुलेशन की अगर बात करें, तो पॉपुलेशन कितना क्या है, तो आप देखो सबसे पहले बताओगे कि पॉपुलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसे लिख देते हैं, नगर पंचायत बनाने के लिए क्या जरूरी है, तो नगर पंचायत बनाने के लिए कम से कम वहाँ की जो जनसंख्या होना चाहिए, वो जनसंख्या होना चाहिए 5000 से लगाकर 20000 तक। कितनी, 5000 से 20000 तक, क्लियर। अभी मैं आपका इसका एक डाउट क्लियर करूंगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे डाउट बिल्कुल आना चाहिए कि ये 5000 से 20000 की जो रेंज है, ये रेंज तो हमने कहीं देखी हुई, हमको वैसे भी लग रही है, तो उसका डाउट क्लियर करता हूँ मैं आपको। नगर पालिका कहाँ से कहाँ तक, तो अगर 20000 से लगाकर जनसंख्या कहाँ तक, अगर 100000 तक की है, तो हम वहाँ पे क्या बना सकते हैं, नगर पालिका बना सकते हैं। और इससे ज़्यादा मतलब 100000 से ज़्यादा, तो वहाँ पर क्या बना दी जाती है, तो 100000 से ज़्यादा, मोर देन 100000, जनसंख्या कितनी होना चाहिए वहाँ की, मोर देन 1 लाख होना चाहिए, तो वहाँ पे क्या बना दी जाएगी, आपकी नगर निगम बना दिया जाएगा। अब सुनिए, कल आपने जब लिखा था तो वहाँ पर भी तो आपने ऐसा लिखा था कि जनसंख्या आपकी 1000 से 5000, 5000 से 50000, 50000 से ऊपर, इस तरीके से बात की थी आपने। होता क्या है कि वो जो था, वो था ग्रामीण स्तर के लिए, मतलब ग्रामीण व्यवस्था थी, तो आपका जो क्षेत्र ग्रामीण से क्षेत्र के अंदर घोषित किया हुआ है, तो चाहे ही उसमें 50000 जनसंख्या क्यों ना हो जाए, वहाँ पर आप नगर पंचायत नहीं बनाते हो। देखो, जबकि नगर पंचायत बनाने के लिए 5000 से 20000 तक की ही रेंज है, बट आप वहाँ पे देखोगे कि वो क्षेत्र या वो जनसंख्या जो रह रही है, जो आप बोल रहे हो कि 50000 तक की जनसंख्या भी काम देगी, तो 50000 तक की जनसंख्या कौन से क्षेत्र में रह रही है, वो शहरी क्षेत्र में रह रही है या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। ग्रामीण क्षेत्र में होगी तो वहाँ पर हम लोग ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में डील करेंगे। अगर वही जनसंख्या, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इंदौर का,
कि आप बोलते हैं कि इंदौर जो है, इंदौर में किसी एक क्षेत्र में आपको नगर पालिका दिखेगी, कहीं आपको पास वाले थोड़े से इंदौर से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे ग्राम पंचायत या आपको जनपद पंचायत मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये कि जहाँ पे जनपद पंचायत मिल रही है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसको शहरी क्षेत्र के अंदर इंक्लूड किया ही नहीं गया है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। चलिए अब देखो, अब हमको बताना पड़ेगा कि ये कहाँ बनेगी। सबसे बड़ी बात क्या है, ये कहाँ बनेगी। तो कहाँ बनाने में सबसे पहले आप बोलोगे कि ये नगर पंचायत जो होती है संक्रमणशील क्षेत्रों में बनती है। कहाँ बनती है? संक्रमणशील। इसको बताता हूँ क्या होता है, संक्रमणशील क्षेत्र कौन से होंगे। संक्रमणशील क्षेत्र को आप कोविड से बिल्कुल नहीं लेना है ना, मतलब ये आपका क्या है, ट्रांजिशनल जो होते हैं एरियाज, ठीक है। जैसे जो ग्रामीण बिल्कुल क्षेत्र होते हैं ना, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनका, उनमें क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और वो अब किसके अंदर आने वाले हैं, अब वो शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हैं। तो वहाँ की जनसंख्या 5 से 20 हज़ार हुई तो हम उसको क्या बना देते हैं, नगर पंचायत। एक्चुअल में वो क्या हुआ करते थे, ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, लेकिन अब वो किस में आने वाले हैं, अब उनका संक्रमण किधर होने वाला है, अब वो शहरों की तरफ या नगर की तरफ होने वाले हैं, तो हम वहाँ बना देते हैं नगर पंचायत। वहीं पर नगर पालिका और नगर निगम बहुत छोटी सी बात है। कौन से क्षेत्रों में बनाया जाएगा, तो आप यहाँ पर बोलोगे छोटे शहरी क्षेत्रों में। कहाँ पर? छोटे शहरी क्षेत्र में, मतलब स्मॉल अर्बन एरियाज। कहाँ पे बनाई जाएगी? स्मॉल अर्बन एरियाज। और ये आपके बोल दोगे आप बड़े शहरी क्षेत्रों में, बड़े शहरी क्षेत्रों में, मतलब इसको आप बोल रहे हो कि ये आपका क्या है, लार्ज या बिग बोल लीजिए आप इसको, अर्बन एरियाज, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि कौन बनाता है। तो अगर मान लीजिए कि नगर परिषद बनाना है, नगर पंचायत बनाना है, नगर परिषद या नगर पंचायत बनाना है, तो इसके लिए जो अधिसूचना जारी की जाएगी वो गवर्नर कर सकता है। कौन कर सकता है? गवर्नर। तो मतलब सिंपल सी बात है कि नगर पंचायत या नगर परिषद बनाने के लिए किसकी, राज्यपाल की अधिसूचना की जरूरत होती है। राज्यपाल ने क्या कर दिया, राज्यपाल की अधिसूचना आई कि इस क्षेत्र को क्या बना दो, आप बना दीजिए नगर पंचायत, तो हम उसके द्वारा क्या बना देंगे, वहाँ पे नगर पंचायत बना दी जाएगी। तो हम इसको बोलेंगे कि नोटिस बाय दी गवर्नर। क्लियर है? ठीक है। अब उसके बाद आपके पास क्या लिखा है, आपके पास लिखा हुआ है नगर पालिका। नगर पालिका की हम बात करें तो नगर पालिका कब बनती है, नगर पालिका और नगर निगम दोनों के लिए एक ही चीज़ है कि नगर पालिका या नगर निगम बनानी रही तो आपको क्या करना पड़ेगा, विधानसभा से बिल पास करवाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो हम बोलेंगे यहाँ पे विधानसभा द्वारा बिल पास होने के पश्चात, ठीक है। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे अब अच्छे से। क्लियर? और यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं कि आफ्टर पासिंग दी बिल फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली। मध्य प्रदेश के लिए लिखा है तो मध्य प्रदेश में तो केवल असेंबली है, तो हम यहाँ पे असेंबली द्वारा ही अगर क्या कर दें, पास करवा दें, तो दोनों बन जाएगी, नगर निगम या नगर पालिका दोनों अगर आपको बनाना है तो उसके लिए एक ही प्रोसीजर है, आपको क्या करना पड़ेगा, विधानसभा से बिल पास करवाना पड़ेगा। क्लियर? हेड की बात कर लेते हैं, तो हेड देखो, अगर हम नगर पंचायत और नगर पालिका की बात करें तो यहाँ पे होता है अध्यक्ष। कौन होता है? अध्यक्ष, है ना, नगर पालिका अध्यक्ष और आपका नगर पंचायत अध्यक्ष, ये दोनों अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। इनको आप बोल दीजिए प्रेसिडेंट या जो भी बोलना है। लेकिन आप नगर निगम में देखोगे तो यहाँ पे एक व्यक्ति आता है जिनका नाम है महापौर। कौन आता है? महापौर। ये महापौर जो होते हैं इनको बोला जाता है मेयर। क्या बोला जाता है? मेयर। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मेयर, ठीक है, ठीक। क्लियर? ये इनके हेड होते हैं। उसके बाद इलेक्शन कैसे होते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको पढ़ा ये रहा हूँ, कल वाली बात याद करवा रहा हूँ। कल हमने बोला था कि तीनों जगह पर, मतलब आपका ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में सदस्यों का जो चुनाव करेंगे आप वो करेंगे डायरेक्ट मेथड से, मतलब प्रत्यक्ष विधि से। और उसमें भी ग्राम पंचायत में जो सरपंच बनता है उसको आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा था, बाकी सारे जो भी बनेंगे वो अप्रत्यक्ष बनते हैं। मतलब आपका जनपद पंचायत का अध्यक्ष हो, चाहे आपका वो जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, या तीनों जगह के उपाध्यक्ष या इधर आपका उपसरपंच हो, तो ये सभी कैसे बनेंगे? अप्रत्यक्ष रूप से बनते हैं। बट यहाँ पे और सिंपल है, क्या है कि आपके पास
नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, तीनों में जो भी अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, जो भी अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, वो तीनों की तीनों चुने जाते हैं। कैसे? डायरेक्ट मेथड के द्वारा। किसके द्वारा चुने जाते हैं? डायरेक्ट मेथड से। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? सदस्य एवं अध्यक्ष, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, सदस्य एवं अध्यक्ष जो होंगे वो कैसे चुने जाएंगे? प्रत्यक्ष विधि द्वारा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आपके मेंबर्स एंड प्रेसिडेंट कैसे चुनेंगे? डायरेक्ट चुनेंगे। अब ये बात तीनों जगह लागू होगी, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे? सदस्य एवं अध्यक्ष जो होंगे वो कैसे चुने जाएंगे? आप बोलोगे ये प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, प्रत्यक्ष। और आपका यहाँ पे उपाध्यक्ष की अगर आप बात करो, उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष जो होगा वो इनडायरेक्ट मेथड से, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, अप्रत्यक्ष, या इसको आप बोल लीजिए इनडायरेक्ट। चलिए, उसके बाद यहाँ पे मतलब हमने बोला ये क्या है हमारा मेंबर्स एंड जो प्रेसिडेंट है या चेयरमैन जो है, प्रेसिडेंट जो होगा वो कैसे चुना जाएगा? तो डायरेक्ट चुना जाएगा। और यहाँ का भी जो उपाध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष जो होंगे वो कैसे चुने जाएंगे? तो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, अप्रत्यक्ष, इसको आप बोलेंगे इनडायरेक्ट मेथड से। चलिए, इसके बाद हमारे पास क्या आती है? नगर निगम। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम में भी वही बात कि सदस्य एवं महापौर, क्यों? क्योंकि यहाँ का जो अध्यक्ष होता है, हेड जो होता है, उसको क्या बोलते हैं आप? महापौर बोलते हो, ठीक है। तो सदस्य एवं महापौर जो होंगे कैसे चुने जाएंगे? प्रत्यक्ष, मतलब आप इसको बोलोगे डायरेक्ट मेथड के थ्रू। कैसे? डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुने जाएंगे। अब इनको बोल रहे हैं हम मेंबर्स एंड मेयर कैसे चुनते हैं? डायरेक्ट। और कौन इनडायरेक्ट चुना जाता है? तो उपाध्यक्ष, यहाँ के उपाध्यक्ष जो होते हैं वो इनडायरेक्ट चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं? इनडायरेक्ट, या आप इसको बोल लीजिए अप्रत्यक्ष रूप से। सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष लिखने का मतलब ये है कि ये सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आया? बताओ जरा, समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, अब किसकी बात करते हैं? मेंबर्स। यहाँ पे मेंबर कितने होंगे? तो मेंबर हम बोलेंगे कि आपके नगर पंचायत और नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर पालिका में हम दोनों जगह बात करते हैं कि हमारे पास लगभग सदस्य जो होते हैं वो 15 से 40 होते हैं। ये वही वाली बात है, डिपेंड करेगा वहाँ की जनसंख्या कितनी है। तो 15 से 40 दोनों जगह पर होते हैं। कहाँ पर? चाहे आप बोल लीजिए आपके नगर पंचायत हो या नगर पालिका हो। और अगर आप बोले नगर निगम, तो नगर निगम में सदस्यों की जो संख्या होती है वो होती है 40 to 70 अप्रॉक्स, ये रेंज है, कोई ऐसा फिक्स होता नहीं है, है ना। हाँ, बट मिनिमम 40 और मैक्सिमम जो होंगे वो 70 के आसपास। किस पे डिपेंड करता है? तो उस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है। ये देखो, जैसे आप पार्षद बोलते हैं उनको, एक्चुअल में ये सदस्य वगैरह जो आपने लिखा है कौन है? ये पार्षद है ना, आपने सुना ही होगा, पार्षद वगैरह की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। सदस्य का मतलब हो गया पार्षद, कन्फ्यूज नहीं होना, क्लियर। और लास्ट, अगर आपसे बोले कि अधिकारी बताइए आप, तो कि अधिकारी कौन होगा? तो अधिकारी की अगर अपन बात करते हैं, तो नगर पंचायत का जो अधिकारी होता है उसको नगर पंचायत CMO बोला जाता है, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर। क्या बोलते हैं इसको? मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, ऐसा नहीं, सॉरी, मुख्य नगरीय अधिकारी, मुख्य नगरीय अधिकारी CMO। लेकिन जो आपका नगर पंचायत में या परिषद में होता है, ये होता है थर्ड रैंक का। कौन सा होता है? थर्ड रैंक का, क्लियर। मतलब इनकी जो रैंक होती है, आपको पता ही होगा, फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर, सेकंड ग्रेड ऑफिसर, थर्ड ग्रेड ऑफिसर जो हम बोलते हैं ना, उसमें थर्ड ग्रेड ऑफिसर होते हैं CMO, कहाँ के? नगर पंचायत के। वैसे ही नगर पालिका भी जो है, नगर पालिका में भी जो अधिकारी होते हैं वो CMO ही होते हैं, लेकिन ये कौन होते हैं? तो ये सेकंड रैंक के ऑफिसर्स होते हैं। कौन होते हैं? सेकंड रैंक ऑफिसर। इसको मैं आपको सेकंड रैंक ऑफिसर ऐसा लिख देता हूँ, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। पीछे वाली बात भी आपको समझ में आ जाएगी कि वो थर्ड रैंक होते हैं, थर्ड रैंक ऑफिसर होते हैं। और अगर आपसे पूछे कि आप बताइए नगर निगम में कौन होगा, तो नगर निगम में कौन होता है, तो आप बताएंगे नगर निगम में कमिश्नर या आयुक्त होते हैं। कौन होते हैं यहाँ पे? आयुक्त, ठीक है। इसको आप बोलेंगे